नमस्कार, रजनी किचन एंड गार्डन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ मशरूम के सैंडविचेस। मशरूम जिसकी तासीर ठंडी होती है और इसमें भरपूर प्रोटीन और कैल्शियम की मात्रा पाई जाती है। यह हृदय रोगियों के लिए बहुत अच्छा होता है। आज तबीयत कुछ नाजुक है तो थोड़ी सी ही बातें जो इम्पोर्टेंट है वही बता पाऊंगी। और यहाँ बेजिल, यह ऑर्गेनिक है, बेजिल भी और ऑर्गेनो भी, तो इनकी पत्तियाँ अगर जो आपके पास हैं तो ले लेंगे, नहीं है तो आपके पास में हर्ब्स होंगे जो आप दुकान से लेकर के आते हो। और यह काली मिर्च का पाउडर और नमक, और यह है मैदा, 2 टेबल स्पून मैदे की है, और बटर 3 टेबल स्पून बटर, और यहाँ कुटी हुई लहसुन, यहाँ ब्रेड ले ली है, चीज 4 स्लाइसेस और मशरूम 1.5 पैकेट, और यहाँ प्याज आपको पहले भी दिखाया था, 2 प्याज थे, और ये 1 कप मिल्क। मिल्क का यूज हम डिप बनाने में करेंगे। और यह पैन ले लिया है, पैन में बटर डाल दिया। जब भी ऐसी चीज़ बनाएं तो गैस की फ्लेम बहुत तेज़ नहीं होनी चाहिए, मीडियम होनी चाहिए। और बटर के साथ ही हमने डाल दिया है 2 टेबल स्पून मैदा। मैदे को उतने ही भुनना है कि जब तक बटर मेल्ट ना हो जाए। अब इसमें हम मिक्स कर देंगे दूध और इसे काफ़ी देर तक हिलाएंगे ताकि इसमें पल्प्स ना रहे, गुठलियां ना बने। यहाँ थोड़ा सा थिक होने लग जाए तभी इसमें आप बाकी के सामान डालना। यह हमने काली मिर्च का पाउडर और थोड़ा सा नमक डाल दिया है, अभी सारा नहीं डालेंगे, बाद में हम वेजिटेबल्स में मिक्स करेंगे नमक और काली मिर्च। और ऊपर से यह चीज़, जो चीज़ मैंने काफ़ी देर से बाहर रखी थी इसलिए यह चिपक सी गई है। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है और फिर YouTube में डालने में भी बहुत मेहनत लगती है, तो प्लीज़ आप वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे प्रोत्साहन बढ़ता रहे। इसमें काफ़ी 3-4 स्लाइसेस के चीज़ के डाल देंगे, मैंने भी डाली है, और ये लहसुन चला गया इसमें। और आप चीज़ अगर आपके पास नहीं है तो आप सिर्फ इसे बटर ही बटर से भी बना सकते हैं, और अगर नमकीन बटर नहीं है तो वाइट वाले बटर से भी यहाँ इजीली बन जाता है। और इसमें ऑर्गेनो लीव्स और बेजिल लीव्स डल गए हैं, और यहाँ डिप बन करके तैयार हो गया है। थोड़ा सा हम इसे निकाल देंगे, इसे हम डिप की तरह यूज करेंगे। बाकी के डिप में हमने वेजिटेबल डाल दी और काली मिर्च का पाउडर, नमक और लहसुन डाल दिया, और ऑर्गेनो लीव्स। वेजिटेबल को हम सिर्फ 5 मिनट्स तक ही पकाएंगे, और 1 स्लाइस के ऊपर हम डाल देंगे वेजिटेबल, उसके ऊपर चीज़ डाल देंगे थोड़ी सी, और 1 ब्रेड के ऊपर हमने लगाया है टमाटर सॉस। और इस तरह से हम इसे अब ग्रिल में रख देंगे। अगर आपके पास ये ग्रिल नहीं है तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी कैसे करना है। यह ग्रिल सैंडविच मेकर मेरा 15 साल पहले का है, और इस तरह से हम इसमें नीचे भी घी लगा देंगे, ऊपर से भी घी लगा देंगे ताकि चिपके नहीं, क्योंकि अब यह नॉन स्टिक नहीं रहा है पुराने होने के कारण से, और अच्छे से इसे कवर कर देंगे। अब दूसरी इसमें हम आपको दिखाते हैं, अगर आपके पास में ग्रिल नहीं है तो आप इस तरह से तवे में भी कर सकते हो। तवे में हल्का सा घी लगाया और ब्रेड सेकने के लिए रख ली। बस ब्रेड में हमने अच्छे से दबाव देना है ताकि वो चारों तरफ से अच्छे से उसकी सिकाई हो जाए। मशरूम सैंडविच आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। इस तरह से,
और यहाँ बहुत ही अच्छे से दोनों तरफ से ब्राउन हो जाएगा और क्रिस्पी हो जाएगा। यह धारणा गलत है कि वाइट ब्रेड पौष्टिक नहीं होती है, क्योंकि जब आटे ही में खमीरा आ जाता है तो वहाँ पौष्टिक हो जाता है, काफ़ी उसमें मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स हो जाते हैं। यहाँ देखिए बहुत ही टेस्टी बनकर के तैयार होता है और इसकी डिप भी बहुत ही टेस्टी लगती है। आप ज़रूर से बनाइएगा डिप, बहुत ही इजी तरीका है। और ये ग्रिल वाला भी रेडी हो गया है, बहुत ही क्रिस्पी और दिखने में भी बहुत टेस्टी। तो आप, कोई ज़रूरी नहीं है कि ग्रिल वाले में ही बनाएं, आप तवे वाले में भी बनाएं, तो दोनों का टेस्ट एक समान ही होता है। और यहाँ इस तरह से आप सर्व कीजिएगा डिप के साथ और सॉस के साथ, इसे हरी चटनी के साथ भी खा सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके से मशरूम सैंडविच तैयार हैं। धन्यवाद।